आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं पिनाक्षी त्यागी और आज हम दिखाएंगे किस तरह से अपनी इस खास पेशकश में आतंकी मूसा बौखलाया हुआ है, उसकी खिसियाहट और बौखलाहट घाटी में साफ आ रही है। एक वीडियो मैसेज के जरिए वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है इस्लाम के नाम पर। दरअसल सेना ने जिस तरह का ऑपरेशन घाटी में चलाया हुआ है आतंकियों के खिलाफ, अब आतंकियों में खलबली मची हुई है। जिस तरह से घाटी का नौजवान भी अब आतंक के खिलाफ एकजुट हो गया है, हमने देखा कि सेना की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, किस तरह से नौजवान बढ़ चढ़कर सेना के, हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़ा है, तो ऐसे में अब आतंकियों के अंदर सेना का डर है, स्थानीय लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, तो बौखलाहट है। और उसी बौखलाहट में आतंकी मूसा एक वीडियो टेप जारी कर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही भला बुरा कह रहा है। वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को कह रहा है कि इस्लाम के नाम पर आप जिहाद शुरू करें, आप कश्मीर के लिए आजादी की लड़ाई शुरू करें, क्योंकि उसे हिंदुस्तान के मुसलमानों का साथ नहीं मिल रहा है। तो उसकी बौखलाहट किस तरह से सामने आई है वो वीडियो आपको दिखाएंगे, उसका ऑडियो मैसेज आपको दिखाएंगे, और हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरह से उसकी इस अपील को ही सिरे से खारिज कर रहे हैं, और हमारे एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं कि मूसा के इस बयान में क्या कुछ छिपा हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद रहेगा। मैं आपका तारुफ करा दूँ हमारे मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त हमारे जो खास मेहमान रहेंगे, आरएसएन सिंह साहब रहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ इंजीनियर राशिद हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, कश्मीर से हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही मुफ्ती मंजूर जियाई हाजी हमारे साथ मुंबई से धर्मगुरु जुड़ेंगे। स्टूडियो के मेहमान भी आपको बता दूं, विनोद बंसल जी हैं हमारे साथ वीएचपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब हैं, धर्मगुरु हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब भी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान किस तरह से मूसा को जवाब देगा मुंह तोड़, और मूसा की इस अपील पर हमारे तमाम एक्सपर्ट क्या कुछ समझ पा रहे हैं, उस पर चर्चा करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि मूसा ने कैसे जहर उगला, कैसे अपनी खिसियाहट जाहिर की। जाकिर मूसा आतंक का वो दूसरा नाम जो कश्मीर के घने जंगलों में भागा भागा फिर रहा है। मोस्ट वांटेड दहशतगर्द मूसा देश के सिक्योरिटी फोर्सेस के टारगेट पर है। जाकिर मूसा आतंक का वो चेहरा है जो बेगुनाह लोगों का खून बहाता है। जाकिर मूसा पाकिस्तान का वो मोहरा है जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का ख्वाब पाले बैठा है। कभी हिजबुल का पोस्टर बॉय रह चुका जाकिर मूसा के खिलाफ अब आतंकियों ने ही बगावत कर दी है। जाकिर मूसा अब अलग थलग पड़ चुका है। ऐसे में जाकिर मूसा अब प्रोपेगेंडा ऑडियो और वीडियो जारी कर रहा है। वो देश के आम मुसलमानों को भड़काना चाहता है। ये खूंखार आतंकी खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताना चाहता है। जरा सुनिए आतंकी मूसा के जहरीले बोल। हिंदुस्तान में जो मुसलमान है कितने बेगैरत हो गए हैं। मुसलमान शर्म आनी चाहिए इनको अपने आप को मुसलमान कहते हुए। हमारी बहनों, हमारी और ये लोग इस्लामिस्ट बीस चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको अपने आप को मुसलमान कहते हुए। बेगैरत, सबसे ज़्यादा बेगैरत कौम मुझे लग रही है हिंदुस्तान मुसलमानों की है, जो जुल्म के खिलाफ तो खड़े क्या आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। क्या हमारे असलाफ यही है, हमारे असलाफ ने हमें। इतना ही नहीं, आतंकी मूसा भी जानता है कि एक न एक दिन उसका अंजाम भी बुरहान वानी और सबजार की तरह ही होना है। ऐसे में हताश जाकिर मूसा गजवाए हिंद के नाम पर लोगों को भड़का रहा है। मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों, अभी भी मौका है, आप लोग उठ जाओ, इस जुल्म के खिलाफ उठ जाओ, हमारा साथ दो, गजवे हिंद में हमारी शिरकत करो। जैसे कि आपको भी पता है कि हमारे नबी पोसम ने वादा किया है कि जो गजवे हिंद में शिरकत करेगा वो जन्नत का हकदार है, वो जहनम की आग से महफूज रहेगा। इसलिए अभी भी मौका है, अभी उठ जाओ आप लोग, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। आतंकी मूसा की तलाश में सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन हर बार मूसा फरार होने में कामयाब हो जाता है। और अब ये आतंकी अपने नापाक एजेंडे को मजहब की आड़ में अमली जामा पहनाना चाहता है। ये जंग खाली कश्मीर की जंग नहीं है, ये इस्लाम और कुफर की जंग है। इंशाल्लाह हम पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में इंशाल्लाह शरीयत नाफिज करके रहेंगे इंशाल्लाह।
बस हम लोगों को ये दुनिया की मोहब्बत छोड़कर अपने दीन की मोहब्बत दिल में डालनी चाहिए। हम लोग दुनिया की मोहब्बत में पड़ गए हैं, इसलिए हम बहुत बेगैरत हो गए हैं। कहा जा रहा है कि मूसा दक्षिण कश्मीर के इलाके में कहीं छिपा हुआ है और अब जिस तरह आतंकी मूसा ऑडियो टेप जारी कर आम मुसलमानों को भड़काना चाहता है, उसके बाद उसे जवाब देना बेहद जरूरी है। टीम न्यूज नेशन। तो बेगैरत है हिंदुस्तान के मुसलमान, क्योंकि वो जिहाद की लड़ाई में, आतंक की लड़ाई में मूसा जैसे आतंकवादियों के साथ खून खराबा नहीं करते हैं। चलिए तो सबसे पहले आप ही लोगों से मैं इसका परिचय ले लूंगी कि क्या जवाब देंगे आप आतंकी मूसा को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेगैरत कह रहा है। देखिए, ये यहाँ हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो क्या जवाब देंगे, ये बौखलाहट जो है खुद उसका जो है सबूत है। अब इनकी जो है सबसे बड़ी अज्ञानता और बेखबरी है, देखिए वो हिंदुस्तानी मुसलमान कह रहा है, यानी कश्मीर को हिंदुस्तान से जो है वो बाहर समझता है। उनको पता नहीं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये सब जो है वो भारत का जो है अंग रहा है। तो ये जो वो गजवे हिंद की और इस तरह की जो बातें करता है, ये इस्लाम को कितना जानता है, जिहाद किस लिए है। और मिश्रा साहब मौजूद हैं यहाँ, ये अच्छी खासी जानकारी रखते हैं इस्लाम के बारे में। इस्लाम की बुनियाद जो है वो जिन चीज़ों पर है उनमें जो है वो जिहाद जो है वो शामिल नहीं है। और जिहाद के लिए ज़रूरी है हुकूमत, और जो है जिससे आप जिहाद कर रहे हैं उसका आप उससे आपका कोई एग्रीमेंट, कोई संधि, कोई मुआहदा नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो UNO है उसके तहत और जो है एक मुल्क की दूसरे मुल्क में देश में एम्बेसियां हैं, तो ऐसी शक्ल में जिहाद जो है हो ही नहीं सकता इस्लामी शरीयत के हिसाब से। इनको पता ही नहीं है जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें इस्लामी शरीयत है, आज की तारीख में कहीं भी जो है वो जिहाद नहीं हो सकता है। चूंकि एक मुल्क का दूसरे मुल्क से एग्रीमेंट है, मुआहदा है, उस मुल्क में एम्बेसी है, ये जिहाद की बात कर रहे हैं। तो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये खुद बेगैरत हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेगैरत कह रहा है। वो खुद कत्ल व गारत करता है जिसकी इजाज़त इस्लाम तो कतई नहीं देता है। रशीदी साहब, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आती हूँ कि क्या इस तरह से भड़काने की, मुस्लिम युवाओं को उकसाने की कोशिश कर रहा है ये जाकिर मूसा कश्मीर के खास तौर से नौजवानों को, कि आप उसकी कौम पे चोट कीजिए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत होगी और भड़क सकता है मुसलमान, ये उसकी एक चाल है क्या? देखिए, जब आदमी अकेला पड़ जाता है वो इस तरह के की बातें बोलता ही है, सच्ची बात है ये। और ये जिस तंजीम के साथ जुड़ा हुआ है उसको पहले ही हिंदुस्तान का मुसलमान नकार चुका है। वो इस्लामिक तंजीम नहीं, इस्लामिक स्टेट जिसका नाम है, वो बाकायदा एक यहूदी तंजीम है जो मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए असल में उसका वजूद अमल में आया है। अल बगदादी जिसको कहते हैं, इलियाड शमून उसका नाम है, वो मुसलमान है ही नहीं, उसी तंजीम से ये भी वाबस्ता है। तो जब हम उस तंजीम को ही इस्लामिक तंजीम नहीं मानते तो फिर जाकिर मूसा को कैसे जिहादी मान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि भाई ये इस्लाम के लिए लड़ रहा है। इसको तो खुद चाहिए, ऐसी तंजीम के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसको खुद देखना चाहिए कि मुसलमान है भी या नहीं। मुझे तो इसके इस्लाम पर भी शक है। चलिए, जाकिर मूसा जो खुद को अल्लाह का बंदा बताता है उसके तो यहाँ पर मुसलमान होने पर भी शक हिंदुस्तान के तमाम धर्म गुरु जता रहे हैं। राशिद इंजीनियर साहब, क्या यहाँ पर राजनेता जो हैं, खासतौर से घाटी की बात करें, घाटी में हमने देखा है कि किस तरह से सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए बड़ी तादाद में कश्मीर के नौजवान जो हैं साथ खड़े नजर आते हैं। चंद मुट्ठी भर लोगों को बरगलाने की जो कोशिश हो रही है उसमें जिस तरह से नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वो एक बड़े खतरे को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं। जो ISIS की रेडिकलाइजेशन की जो नीति है वो अब घाटी में आतंकवादी अपना रहे हैं और राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। नहीं मैडम जी, मैं पहले आपसे ये अर्ज़ करूं कि जो भी जाकिर मूसा कहते हैं ज़रूरी नहीं कि हम उनकी बातों से इत्तेफाक करें। हम अमन पसंद लोग हैं और हमारा मकसद एजेंडा जो है वो जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालना है। लेकिन फिर जब आपने ये बात की कि जाकिर मूसा ऐसा क्यों कह रहा है, उसको क्यों सपोर्ट मिल रहा है, तो मेरा उसका सीधा जवाब यह है, जब आपने मेन स्ट्रीम को भी यहाँ लेट डाउन किया, जब आप हुर्रियत के लोगों को भी, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको भी बात के लिए नहीं बुलाते हैं, जब आज आप उनको भी टेररिस्ट कहते हैं, तो ओबियसली फिर वैक्यूम में खड़ा होता है और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आप खुद ही जाकिर मूसा को मौका दे रहे हैं। तो इसीलिए बेहतर है, हम भी खतरात को समझ सकते हैं। पूरी घाटी के लोग चाहते हैं कि हम मतलब किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़े। मतलब जाकिर मूसा के इस बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जिम्मेवारी है, ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो वहां पैदा हुआ, इसीलिए जाकिर मूसा वहां पैदा हुआ है। जब तक आप जाकिर मूसा के बयान का आप समर्थन कर रहे हैं क्या, कि वो जो रेडिकलाइजेशन की नीति अपना रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है। जब तक आप
आप समझी नहीं मेरी बात, हम समर्थन करें या न करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हमने पहले ही काम समर्थन नहीं करते। क्लियर करिए ना, हमने पहले ही कह दिया कि हम नहीं चाहते कि समर्थन कर रहे हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट के लिए, आप एक एमएलए हैं, इसलिए आप एक एमएलए हैं, यहां पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम के आइन से कसम खाई है। अब आपने शोर करना शुरू किया, आप बात तो सुनिए कि नहीं, आप सवाल से भटकिए नहीं, बगी में आप सवाल से मत भटकिए। ये आप कौन सा बोल रहे हैं मैडम? आप हिंदुस्तान की आइन का कसम खाए, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा बोल रहे हैं मैडम को, आप बताइए ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा कह रहे हैं आपसे। ब्रिगेडियर मिश्रा साहब जी से ये कह दीजिए कि नेहरू जी ने भी जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ ली थी और तब यूनाइटेड नेशन गए थे, क्या उनको याद नहीं रहा कि मुझे नहीं जाना चाहिए और प्रिंसिपल का वादा नहीं करना चाहिए? संविधान और जब हमने जम्मू कश्मीर इंडिया का संविधान उसकी दफा 370 है, आईएमए कहीं नहीं लिखा है कि आप झूठ बोले, वो 370 दफा जो आईएमए की है उससे मिलता है उसको, तो फंडामेंटल राइट है, राइट उसको मिलता है ताकत, राजशुमारी जो आपने वादा किया है, राशिद साहब राजशुमारी का वादा, राजशुमारी का वादा गलत है, आप हिंदुस्तान इंजीनियर पता नहीं, इंजीनियर राशिद साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आप अपनी राजनीति में आप करेंगे तो तब तक हमारा मन सकती है। इंजीनियर राशिद साहब आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि आज आप अपनी चंद राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आईएस की जो एक बड़ा खतरा हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा है रेडिकलाइजेशन का, उसको आप हवा दे रहे हैं। आरएसएस सिंह साहब शायद ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में भूल रहे हैं कि किस आफत को ये बुला रहे हैं कश्मीर में। आरएसएस सिंह साहब मैं आपको शामिल करना चाहूंगी चर्चा में, बात तो सुनो, संविधान में जिसके लिए कोई जगह नहीं है उसकी बात आपको एक बता दूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि दुनिया में लोकल जिहाद नाम का जुमला इस्तेमाल करिए, ये सारा का सारा ग्लोबल, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए जी 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 बोलिए माकूल बात मत बोलिए। अरे आरएसएस सिंह साहब बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी दुनिया में दुनिया दुनिया में कोई ऐसी लोकल जिहाद नाम की चीज नहीं है, सारा का सारा जो है वो ग्लोबल जिहाद है, चाहे वो लश्करे तोयबा हो या जैश मोहम्मद हो या हकानी ग्रुप हो, तहरीके इन सब के एक्चुअल जो इनका पेटर्नेज है और आइडियोलॉजिकल जो ये अपना सस्टेनेंस ड्रॉ करते हैं वो अलकायदा से लेते हैं, और इस्लामिक स्टेट भी एक अलकायदा का ही हिस्सा है। आप सबको मालूम होगा कि ये अलकायदा इन इराक जो था वो इस्लामिक स्टेट की शुरुआत यहाँ पे हुई, अब इनका बड़ा लूज कॉन्ग्लोमरेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि इस अलकायदा की सारी बात अलकायदा की सारी बात ये मानते हैं यही है, लेकिन इस्लामिक इन सब को इन सब का अलग अलग कैचमेंट एरियाज है, और जो इस्लामिक स्टेट का कैचमेंट एरिया है वो पढ़े लिखे लोग हैं, तभी आप देखो ये जाकिर मूसा ये हुरियत की बात कर रहे हैं, ये जाकिर ये अरे यार कैसे, हाउ कैन टू पीपल टॉक टुगेदर, I've never been able to understand. इंजीनियर राशिद साहब आप थोड़ी देर के लिए शांति रखिए, जरा आरएसएस सिंह साहब की बात सुन लें जी। मुझसे नहीं हो सकता ये। जी जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए उसने जाकिर मूसा ने क्या गलत बोला हुरियत को? हुरियत को बोला कि तुम कहते हो इंडिपेंडेंस की लड़ाई है और ये पॉलिटिकल फाइट है, वो कह रहा है कि इस्लामिक फाइट है, उन्होंने बोला कि अगर इस्लामिक फाइट नहीं होती तो ये हुरियत वाले मस्जिदों से क्यों आह्वान देते हैं, ये जितने ये स्टोन पेल्टिंग के लिए जो आवाहन दी जाती है वो मस्जिदों से दी जाती है, तो उसने तो ये एक 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 फैक्ट है कि इस्लामिक स्टेट एक बड़े तौर पे आज आ चुका है, जिसका कि रिवर्बरेशन जो कश्मीर में हुआ आपने देखा, केरल से 23 लोग गए वहां पे अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने, तो ये और मैं आपको बता दूं ये आप देखो पूरे रमजान के पीरियड में अगर पूरा ग्लोब को स्कैन करो तो दो ब्लास्ट बड़े बड़े ब्लास्ट बगदाद में, दो लंदन में, दो काबुल में, मनीला में और फिदाइन अटैक्स कश्मीर में, 2000
2015 में 400 लोग मारे गए थे रमदान में, और 2016 में 480, और यह जो स्टेटमेंट्स आता है वो उनका कहना है कि रमदान में मारने से मतलब 70 गुना और पुण्य मिलता है। चलिए चलिए इसी का जवाब मैं लेती हूँ, जरा राशिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं पहले, अरसन सिंह साहब वो भी सुन लेते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है जी, तो ये अरसन सिंह साहब, जरा राशिद साहब बहुत देर से उंगली उठाए हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप राशिद साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? आप एक आतंकी की इस तरह के रेडिकल वीडियो का सपोर्ट करते हैं, मैडम जी, जो आप समझ नहीं रहे हैं कि देश में कितना बड़ा खतरा आईएसएस के तौर पर मंडरा रहा है? आप मुझे थोड़ा जी जी बोलिए, हम एक अच्छा डिबेट कर सकते हैं ना, प्लीज, मुझे सबका एहतराम है, सबका सम्मान है, आप मेरी गुजारिश सुन लें। जो आर एन सिंह जी ने कहा अलकायदा की बात, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अलकायदा को किसने बनाया? अलकायदा को अमेरिका ने बनाया, क्योंकि अफगानिस्तान में रूस आ गया था। वो जाकिर मूसा के इस पूरे बयान का खंडन कर रहे हैं और आप उस जाकिर मूसा की हिमायत कर रहे हैं। मैं यहाँ पर नहीं रुकिए, मुफ्ती मंजूर जिया साहब आप क्या कहेंगे इनको? राशिद साहब कह रहे हैं कि जाकिर मूसा जो कह रहे हैं सही कह रहा है, उनकी हिमायत की बात तो सुनिए। शो के शुरू में आपने यही लाइन दी साहब, मैं एमएलए कश्मीर के एमएलए से कहना चाहूंगा मोहतरमा के, ये पहले समझें, मोहतरमा इस्लामिक वर्ल्ड में तबाही मचा दी तो सारा कसूर नंबर वन अमेरिका का है। और अरे आप अमेरिका की बात मत कीजिए, हम अपने मुल्क की बात करें, अमेरिका की बात छोड़ दें, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। हमारे हिंदुस्तान पर उंगलियां उठ रही है, उस देश पर उंगलियां उठ रही है जो हमारे ख्वाजा का देश है। आप क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जमीन पर है, हिंदुस्तान की सरकार में हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं और उसके बाद हिंदुस्तान के दुश्मन पर आप इस तरह की बात करते हैं कि हाँ वो सही कह रहा है, कहने की जरूरत है उसे? कौन देता है आपकी तनख्वाह? कौन देता है आपकी तनख्वाह? शर्म की बात है कि हमारे इंजीनियर साहब जैसे लोग, इंजीनियर साहब जी, मुफ्ती मंजूर सही साहब आप क्या कहेंगे? आपकी जागीर नहीं है, हमारे रिसोर्स मोहतरमा, बड़े शर्म की बात है, हमारा सारा पानी पाकिस्तान को बेच दिया है, बेशर्म लोगों और शर्म नहीं आती जैसे लोगों की हिमायत करने वाले लोग भी यहां पर मौजूद हैं। इस बोलवी को कहते हैं इसकी कीमत हिंदुस्तान में गाय से भी कम है, बात फेंक देना चाहिए और सरेआम के बराबर कर दो, फिर इस बोली को से बात कीजिए, किसी 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 को पहले गाय के बराबर तो हो जा। किसकी बात करना चाहते हैं इंजीनियर साहब? इंजीनियर साहब आप किसकी बात कर रहे हैं? आप तो भड़काने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बेईमान भी है और जी क्या कहेंगे आप? ये तो राशिद पूछा दिया, ट्रिपल तलाक को भी मना लिया, फिर भी ऐसे भीख मांगते हो इनके आगे, हिंदुस्तान को बेच देना चाहते हो, बेगैरत लोगों को आतंकवादियों के हवाले कर देना चाहते हो आप इंजीनियर साहब, और आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए? अपना कदम गाय के बराबर कर दो, पहले कहते थे नेशन फर्स्ट, आज कहते हैं गाय साहब मुसलमान की जब तक तुम लोग पहले हमको गाय के बराबर तो समझो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? जरा खुल के बोलिए ना राशिद साहब, यहाँ पर क्या 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 एनिमल हो क्या आप? आप तो उकसाने के लिए क्या कहीं बीपी आपका मैडम ज्यादा ना हो जाए? ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर लाने का कोई कोई जोर से मिला, मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। ये लोग देश के लिए शर्म है, कश्मीर के नाम पर दबा है, कश्मीर के नाम पर दबा है, कश्मीर लोग प्रतिबंध नहीं हमारे साथ रशीदी साहब भी मौजूद हैं, जरा आपकी इस ऑब्जेक्शन पे ही सुन लेते हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि इंजीनियर तो गाय खाता है, रशीदी साहब इस्लाम में तो जहां तक आपसे मेरी जो पिछली चर्चा हुई थी उसमें आपने कहा था कि इस्लाम में साफ साफ लिखा हुआ है अगर कोई भी पशु कहीं पूजनीय है तो किसी दूसरे धर्म को या किसी दूसरे को खाना गलत है, वो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता है। जरा इनको रशीदी साहब को जरा कुछ ज्ञान दे दीजिए। देखिए बात सुनिए, हम किसी के आगे नहीं खाते, इंजीनियर राशिद एक मिनट सुनिए, बात सुनिए,
मेरे लिए गाय हलाल हो सकती है, लेकिन जिस देश में मैं रहता हूँ अगर वहाँ वो आस्था की चीज है तो हमें उस आस्था का भी ख्याल रखना चाहिए। इसमें कोई बुराई चीज नहीं है। इंजीनियर खाओगे तो मुसलमान नहीं रहोगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर गाय नहीं खाओगे तो मुसलमान नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बात सुनिए, सुनिए मेरी बात, कोई वो कहता है जिन बातों को, जिन बातों को, जिन बातों को आप हाई कोर्ट में लेते हो, अरे सुनिए एक मिनट, सुनिए, नहीं जिन बातों को आप जाकिर मूसा की हिमायत में उठा रहे हो, उन बातों को बगैर हिमायत के भी उठा सकते हो आप जाकिर मूसा की हिमायत करके क्यों उठा रहे हो उन बातों को? अरे शर्म करो, जिन चीजों को ऑब्जेक्शन कर रहे हो हम भी करते हैं, चीजों को ऑब्जेक्शन लेकर जाकिर मूसा की हिमायत नहीं करते हैं। जाकिर मूसा को बीच में बंदूक छोड़ो। अरे जाकिर मूसा को आपने पाला हुआ है क्या? जाकिर मूसा को कश्मीरी आप तो निकाल नहीं सकते मेरे। जाकिर मूसा को आपने पाला हुआ है, आपको संरक्षण दे रहे हैं संबंध बताते हैं कभी किसी नेता को राजशुमारी करो नहीं। अच्छा सुनिए राशिद जी, इसका मतलब आप यूं ही लोगों को भड़काते रहेंगे, उकसाते रहेंगे, ऐसे मुद्दा हल होगा? ऐसे मुद्दा हल होगा आपको लगता है? एक बहुत बड़ी ये तरीका है मुद्दा हल करने का? यहाँ भड़का नहीं रहे, तो भड़का नहीं रहे तो आप क्या कर रहे हैं? मूसा का समर्थन कर रहे हैं आप बता रहे हैं कि आप गाय खाएंगे, आप बता रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ कर रही है सरकार, और आप भड़का नहीं रहे तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस पूरी डिबेट का जाकिर मूसा को छोड़ दो, कासिम पुट्टू को आप क्या करेंगे? जिस देश की सरकार के आप इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, जहां से आपकी तनख्वाह आती है, जहां से आप चुनकर आए हुए हैं, मूसा जहर उगल रहा है, मूसा की बौखलाहट की सियाहट सामने आ रही है, मूसा हिंदुस्तान के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। धर्मगुरु कहते हैं कि मूसा के मुसलमान होने पर उन्हें शक शुबा है, लेकिन कश्मीर में एक अलग ही तरह की राजनीति चलती है, तो इसीलिए इंजीनियर राशिद कह रहे हैं कि मूसा की बात कभी तक वो खंडन नहीं कर पाए हैं इस पूरे डिबेट में। राशिद साहब ने बहुत कुछ कहा है, बीडी मिश्रा साहब एक पूरी फहरिस्त पकड़ाई है हिंदुस्तानियों को क्या क्या करना चाहिए। खुद को तो शायद हिंदुस्तानी मानते ही नहीं है, कश्मीरी मानते हैं। अब कश्मीर कहां का है उनको समझ में नहीं आता है, भले ही वो हिंदुस्तान की सरकार से तनख्वाह लेते हो। जरा उनके सवालों का जवाब देंगे आप? पहले तो मूसा को यह मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जब हिंदुस्तान में मैं किसी मुसलमान भाई से कहता हूँ वालेकुम सलाम, तो वह कहता है कि सलाम वालेकुम, मैं कहता हूँ तो कहता है वालेकुम सलाम। वो ये कहता है और खुश हो के कहता है, और जो ये दीन की बात कर रहे हैं, ये जो जाकिर मूसा बात कर रहा है दीन की, दीन में कहीं नहीं लिखा है कि बेगुनाह को मारो, दीन में यह भी नहीं लिखा है कि आप जिस धरती पर रह रहे हैं उस धरती पर आप विद्रोह करो। ये दो आलम फाजिल यहाँ पर मौलाना बैठे हैं, ये भी यही कह रहे हैं। और ये राशिद ये तो गद्दार है, इसको अपने मुंह पर कालिक लगानी चाहिए इन दोनों भाइयों के जुबान पर जो इन्होंने जवाब दिया, इसको कालिक लगानी चाहिए मुंह पर। और इसको कुछ दीन के बारे में भी नहीं मालूम है, आईन के बारे में नहीं मालूम है, और इसको यह भी नहीं पता है ये अपने कश्मीरियों का। मैडम जी मैं कुछ अर्ज करूं प्लीज, कश्मीरियों का ये सबसे बड़ा नुकसान। मैं जबान गंदी नहीं करूंगा, ये जो कहते हैं इंजीनियर रशीद के चेहरे पे कालक मरनी चाहिए, वो तो आपने दिल्ली में मुझ पर अटैक किया। ये मौलवी साहब को कहो पहले गाय बड़ी है मौलवी बड़ा है हिंदुस्तान में, इसको बोलो पहले गाय के बराबर तो हो जाओ, फिर मेरे साथ बात करिए, क्योंकि कश्मीर में हम गाय का गोश्त खाते हैं, हम आपकी मानते नहीं है। अच्छा ठीक है राशिद साहब, तो मानते नहीं, और उधर से आप तो आदमखोर हो, आपने अब्दुल गुरु की लाश भी खाड़ा ली, बड़ा है कि आपने बुद्धूपट की लाश भी खाई, आपने बड़ा है कि देश बड़ा है। आप ही सवाल का जवाब दे दीजिए, गाय की बात में कर लीजिएगा मौलवी साहब से। नहीं देश बड़ा है, देश बड़ा है ना, आतंकी को पैदा कौन करता है? जब मूसा जैसे आतंकी को आप समर्थन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं वो सही कर रहा है, जब तक कश्मीर में देश के दुश्मनों के साथ गद्दार हो आपस में प्रेम करो, लेकिन तुम तो गाय से प्रेम करते हो।
और आप आतंकियों से प्रेम करते हैं, आप अलगाववादियों से प्रेम करते हैं जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और कश्मीर के आवाम के हाथ में फंसा करवाते हैं। कश्मीर से आप अपना कब्जा उठा के राजकुमारी करें, पंजाब के याद है कितने अमृतसर कभी गुजरात कभी मुजफ्फरगढ़ कभी जम्मू कभी कश्मीर आप तो बिल्कुल वो वैसी हो चुके हैं। आप हिंदुस्तान के मुझे जितनी गाय जितनी गाय बच्चे दे दिए उसके टुकड़े आप हिंदुस्तान के करके रख दिए। राजनीति करते मालूम है हम देश के दुश्मन नहीं है, हिंदुस्तान का अच्छा दोस्त है। मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। मेरी बातों पर अमल करोगे तो हिंदुस्तान देख रहेगा। आप क्या हुआ हिंदुस्तान की समझ रही है? अगर तुमने आतंकवाद का साथ दिया मैं चेतावनी दे रहा हूँ। एक सेकंड आरएसएन सिंह साहब, अगर कश्मीर के राजनेता ही ये जबान बोलेंगे, आतंकियों के साथ उनके ऐसे घनिष्ठ रिश्ते हैं कि वो आतंकियों से बात करा देंगे, तो कश्मीर की दिक्कत कैसे सुलझेगी? ये तो खुद ही भड़काने वाले काम कर रहे हैं आरएसएन सिंह साहब। ये तो घर के भीतर ही ये सभी ग्लोबल जिहाद ये सभी ग्लोबल जिहाद के हिस्से हैं और इस्लामिक स्टेट का एक पॉलिसी। देखो ये आदमी बार बार जो गाय गाय बोल रहे हैं, एवरी टाइम ही सेज दिस ही हर्ट्स माय सेंटिमेंट्स। लेट मी टेल यू, मैं हम लोग गांव के रहने वाले आदमी हैं। इस्लामिक स्टेट से बड़ी इस्लामिक स्टेट जो है वो तो अलग चीज है, मुसलमान से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं। इस तरीके से बार 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 आप ये कम्युनल फ्लेयर अप करवाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसलिए कि कम्युनल फ्लेयर अप हो तो आपको जब वो रेडिकलाइजेशन ज्यादा होता है और फिर आपको कुम्नल हो, लानत उस पे जो कुम्नल हो। आरएन सिंह तुम तो कुम्नल हो, तुम इस्लाम को गालियां देते हो हर रोज। ये अपने पूर्वजों का मांस खाते हो, अभी आप आरएन सिंह एडमिट हो जाओगे, परिवार वालों का मांस खाओगे, हेमरेज ना हो जाए। चिल्लाओ हमें चिल्लाने की आदत है, आप चिल्लाना सीखो। आपने हमको तड़पाया, हम आपको तड़पाएंगे। चिल्लाओ और चिल्लाओ और चिल्लाओ, आज छोड़ो और गाय 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 बोल रहे हो तब पूछ लेना कि तुम चिल्लाओ। मैं गद्दार, अगर मैं गद्दार हूँ, अगर सच बोलने को गद्दारी कहते हो तो मुझे अपनी गद्दारी पे फख्र है। अगर सच कहने को बगावत है तो मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। शरीफ जालिम का शार है, बता दीजिए। तुम काबिल तरीके के बागी भी नहीं हो, तुम बागी भी नहीं हो, तुम सबसे बड़े गद्दार हो। ये ब्रिगेडियर से कह दो कितने कश्मीरी मारे होंगे, इसे कभी ड्यूटी दिए यहाँ? अगर इसकी फाइल खोल दें जेल जाएगा ब्रिगेडियर तुम्हारा। ये कहाँ का ब्रिगेडियर जब रिटायर हुआ है? अगर बोलो कितने कश्मीरी मारे हैं? अरे बेशरम मैं जो लड़ाइयां देश के लिए लड़ा हूँ तुम्हारे ख्याल में नहीं आ सकता, तुम्हारे जहन में नहीं आ सकता, बेकार आदमी है। इंजीनियर राशिद, जरा मुझे ये बता दीजिए, सुनिए आप ये बता दीजिए, एनकाउंटर कितने किए होंगे? नहीं, एक बात बता दीजिए, जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, अलगाववादी अपने बच्चों को तो विदेश पढ़ाते हैं और कश्मीरी आवाम के हाथ में पत्थर पकड़ाते हैं और आप उनका साथ देते हैं, आप उनका समर्थन करते हैं। मूसा उमर फयाज जैसे कश्मीरी नौजवान को मौत के घाट उतारता है। किसके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं अलगाववादी के? जरा मुझे नाम बताओ। पूरी फेहरिस्त मौजूद है। अपनी चैनल का नाम मत बुरा कीजिए मैडम जी, आपकी चैनल की क्रेडिबिलिटी है। जिनानी के बच्चे तो पहले ही बूढ़े हो चुके हैं, मीरवाइज का बच्चा 3 साल का है, यासीन मलिक का कोई बच्चा ही नहीं। अच्छा, आरएसएन सिंह साहब, मेरा बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तुम छोड़ो, मालूम कर लो, वो स्कूल में भी नहीं पढ़ता है। जहाँ गरीब का बच्चा, वहाँ इंजीनियर रशीद का बच्चा। मेरे पास आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं, वो अपने पास रखे लोगों को पैलेट मारने के लिए। आशा इंद्राबी को आपने जेल में डाला है, उनसे औरत का सम्मान करते हो, नारी का सम्मान करते हो? अरे छोड़ो। अच्छा, एक बात बताइए, भारत के मैं बेईमान हूँ, हम बीमार हैं, सबसे बड़ा बीमार जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, बीमारों की फौज। राशिद सुधर जा, मैं बता रहा हूँ तुझे, नहीं तो बहुत बड़ा होगा, देश की जनता जानती है। गौ रक्षा के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर तुम क्या करोगे? अगर देश मारोगे अब्दुल गुरु की तरह, कोई गम नहीं, अपने कुल के लिए मरने के लिए तैयार हो।
मैं आज चेतावनी दे रहा हूँ टीवी चैनलों को जाकर के, ये जब जम्मू कश्मीर तुम्हारा है ही नहीं, ये भारत का संविधान है, कश्मीर आपका हिस्सा है ही नहीं, था जो आपका आप जैसे लोगों को अलाउ करता है, राशिद साहब नहीं तो ऐसे नहीं, जमीर खबर आपकी काफी बातें सुनी गई क्योंकि ये न्यूज चैनल है और आपको पूरी इज्जत दी गई कि आपको मेहमान बनाकर बुलाया गया है और आप एक विधायक हैं, हिंदुस्तान के संविधान के तहत आप एक विधायक चुने गए हैं और आपको आपके पद का सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन आप जब ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है तो आपको खुद को शर्म करनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है लेकिन उसी हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से आप चुनकर आए हुए हैं। राशिद साहब, कहां का पासपोर्ट है आपके पास? कहां का पासपोर्ट है आपके पास? मैडम जी, मेरी एक बात सुनिए, ये इतने सेल्फिश आदमी हैं। मैडम जी एक बात सुनिए, आपकी पार्लियामेंट की करारदाद भी है, आप कहते हैं पीओके भी हमारा इलाका है, गिलगित बाल्टिस्तान भी आपका इलाका है, तो कैसे लाओगे वो इलाका अपने पास? मैं आपकी ही बात मानता हूँ, इंजीनियर ऐसा आदमी, इससे कोई उम्मीद नहीं हो सकती, मैं आपका ही मानता हूँ, हमारा कोई इरादा नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें छोड़ दो, हमें मार दो, हमें जेल भेज दो, हमें काट दो, लेकिन कश्मीर का मुद्दा हल करो। हमने आपका बहुत जुल्म देखा है, हमने 15 साल आपकी बेगार देखी है, हमने आपका ह्यूमन शील्ड देखा, आज की बात नहीं, 1900 में मुझे 27 घंटे आपकी फौज ने इस्तेमाल किया मिलिट्रेंटों के सामने, उन मिलिट्रेंटों ने गोली नहीं चलाई लेकिन आप लोगों ने, हमने देखा है आपका राशिद करना है, हिंदुस्तान के हमदर्द हो, हिंदुस्तान के हमदर्द नहीं है, आप हिंदुस्तान के हमदर्द हो तो वही बात करो, जिससे लोग हम जाएं, जिससे नफरत न बढ़े। राशिद साहब, यहाँ पर राशिद साहब आपके लिए कुछ लोगों के सवाल है। आपकी मानसिक अवस्था को देख करके लगता है कि आपका संतुलन जो है पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। आप जिस देश के संविधान के अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, अपने एमएलए बने हैं, उसी को आप अलग कर रहे हो देश से, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं चाहता हूं पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये अलगाववादी और ये जो पाकिस्तान के पैसे से पत्थर बिकवाते हैं भारत के हिंदुस्तानी सैनिकों पे, इन्हें हिंदू मुसलमान देश का मतलब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रशीद, जब जो बैठे हुए हैं कश्मीर में बैठ के इतनी जो आवाज़ें बुलंद अपनी कर रहे हैं और आतंकवादियों को जो वो आज ये दिखा रहे हैं कि मैं उनका हीरो हूं, हम तो भारत सरकार से और जम्मू एंड कश्मीर सरकार से कहेंगे कि इन्होंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन्होंने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, हम इसको नहीं मानते, मूसा से सबसे बड़ा अगर आतंकवादी कोई है तो ये रशीद है और इसको गिरफ्तार करना, हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि आपको चलिए चलिए इसके विधानसभा की सदस्यता को गिरफ्तार करना चाहिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा पास करे और ऐसे रशीद जैसे लोगों को वहां को रशीद करे, वहां से बाहर निकाले और उसको पीओके जाकर के भेजे, वहां देखे पीओके में इनके भाइयों के साथ क्या हो रहा है, इनकी बहनों के साथ क्या व्यवचार हो रहा है और किस तरह से पाकिस्तान इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, जाकर बलूचिस्तान में जाकर देखें क्या स्थिति है इनकी। साजिद रशीद साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, 20 दिन पहले हमने एक मुहिम चलाई थी चैनल के माध्यम से, हमने कहा था सरकार से कि जितने भी अलगाववादी हैं इनको जेल में डाल दिया जाए और इनको बाकायदा फांसी दी जाए, जब तक अलगाववादियों को खत्म नहीं किया जाएगा कश्मीर से आज तक नहीं खत्म हो सकता, ये सच्चाई है। और मुझे बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान की सरकार ने उस बात का संज्ञान लिया और अलगाववादियों के खिलाफ एक मुहिम चली है, उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं। जैसे ही आदमी इंजीनियर राशिद बैठा हुआ है, ऐसे आदमी को तो तुरंत डिटेन करके इसको फांसी दे देना चाहिए चौराहे पे, ऐसे आदमी को जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मुसलमान का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो मुसलमान पाकिस्तानी थे वो चले गए, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। चलिए, यहाँ पर इंजीनियर राशिद साहब, आपने इस देश की संप्रभुता बनाए रखने की कसम खाई होगी, लेकिन यहाँ पर जरा सुनिए कि ये मौलवी जिनको आप बला बुरा कह रहे थे वो क्या कुछ कह रहे हैं इस्लाम के हवाले से और क्या कुछ सीख दे रहे हैं आपको। नवानी साहब, देखिए, हम लोग जो है वो भारतीय संविधान को भी जानते हैं, इस्लामी शरीयत को भी जानते हैं, इनको किसी चीज का पता नहीं है। जिस जो है संविधान के तहत जो है ये चुन के आए हुए हैं असेंबली में, उसी संविधान के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। वहाँ जो स्पीकर है या वहाँ का जो संविधान है और भारत सरकार है, ऐसे लोगों के खिलाफ पहले नंबर पे इनकी जो है वो सदस्यता को खत्म करना चाहिए और इनकी जो है पूरी जांच होनी चाहिए कि ये ऐसा बोल क्यों रहा है। राशिद साहब, कहां से इनकी डोर गई है? क्या आप इस तरह की आवाज, अगर आप सरहद पार होते हैं ऐसे लोग, तो क्या देश के खिलाफ इस तरह की आवाज उठाने की कुवत भी कर पाते हैं? तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है जो आपको कुछ भी बोलने की इजाजत देता है।
हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के लोगों के दुश्मन नहीं हैं, हम क्रिमिनल नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास इशू है, आप इसको जाकिर मूसा से जोड़ के क्यों भागना चाहते हैं? नहीं तो जाकिर मूसा की आप हिमायत करते हैं, आप जाके आप यहाँ पे भड़काऊ बयान देते हैं राशिद साहब कि आप गाय के मुद्दे को बीच में लेकर आते हैं, आप कश्मीर के मुद्दे तक क्यों? जाकिर मूसा की हिमायत कहाँ करते हैं, लेकिन आप गिलानी की सुन लो, चले जाकिर मूसा को छोड़ो, यासिन मलिक सेक्युलर है उसकी बात सुन लो। नहीं क्या बात सुन लो, आखिर मुसाफिर आतंकवादियों के पैरोकारों की बात सुन लो, देश को नहीं सुनना, देश की जनता को नहीं सुनना, ये अलगाववादी आतंकवादी है, तुम्हें बलूचिस्तान की बात करने में दम है तो वहाँ आप पीरों का जिस तरह से बात करते उसके लिए नहीं आते, उम्र ब्लावर फारूक का समझ नहीं किया, उन्होंने आपको कश्मीर मुझे बताइए फिर उन्होंने अटारनी की कराजा पास की, आपने उसका भेड़ा कर दिया। कश्मीर में आपने कभी बलूचिस्तान का मामला उठाया? क्या आपने कोई पीओके का मामला उठाया? क्या पीओके जम्मू कश्मीर असेंबली का पार्ट नहीं है? मुझे बताइए क्या पीओके जम्मू कश्मीर असेंबली का पार्ट नहीं है? बंसल साहब यहां पर बात, बंसल साहब यहां पर एक मिनट रुकेंगे, राशिद साहब आपने जो कुछ कहना था आपने बहुत कुछ कहा है। 23 सीटें जम्मू कश्मीर असेंबली में, सुनिए 23 सीटें जम्मू कश्मीर असेंबली में पीओके के लिए रिजर्व है, वो आज तक खाली है 3 सालों से, आखिरकार उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? आखिरकार सेना अभी जो हमारे सीमांत क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हिंदू रहते हैं उनके 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 आप चाहते हैं घाटी में अमन चैन आए या आतंकियों की सरकार वहां पर पनपे? आतंकी किस तरह से उमर फयाज जैसे एक बेहतरीन नौजवान को वहां पर मौत के घाट उतार देते हैं, स्थानीय लोगों को मौत के घाट उतार जा रहा है, घाटी में जो कुछ कत्लोगारत आतंकवादी मचा रहे हैं, क्या वो चाहते हैं घाटी के लिए? क्योंकि घाटी का जो आवाम है वो किस तरह से सरकार के साथ खड़ा है ये वक्त वक्त पर सामने आ चुका है, तो आप किसकी हिमायत कर रहे हैं? उमर अब्ला तो गांव खेले नहीं जा सकता है, आपका एमएलए कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है, आप कहते हैं वो सरकार के साथ हैं, फिर आप स्कूल क्यों नहीं खोलते हैं, कॉलेज क्यों नहीं खोलते हैं? स्कूल कॉलेज बंद करने के लिए कौन उकसाता है? ये बात किसी से छुपी नहीं है, जो कोई नहीं बताएगा स्कूल कॉलेज तो तुम्हारे जैसे बंद करवाते हैं, बिल्कुल सही बात, सरकार भारत सरकार कितना पैसा देती है स्कूल कॉलेजों के लिए, लेकिन आतंकवादी पैदा करने के लिए नहीं, तुम्हारे जैसे आतंकवादी नहीं पैदा करने, जिम्मेदार इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग करने के बाद भी तुम भारत बातें करते हो, जब यहाँ हालात खराब होते हैं तो भीख मांग दे रहे हो, भारत का संविधान है तुम्हारे जैसे घृणित लोगों को असेंबली में जगह देना, ये भारत के संविधान की मजबूरी है, तुम्हारे जैसे लोगों को भारत के पैसों का तुम अमन शांति तो कम से कम देश में नहीं चाहते, आप तो और भड़काऊ बातें कर रहे हैं, आप तो और भड़काऊ बातें कर रहे हैं, सा जहर उगल रहा है, सियाहट है उसकी, जिस तरह से सेना का ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ एक एग्रेसिव ऑपरेशन चल चुका है, घाटी में आवाम जो है अब वो आतंकियों के साथ खड़ा नजर नहीं आता है, ऐसे में आतंकी बौखला रहे हैं और अब इस्लाम के नाम पर आवाम को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उन्हें जलील करके तो कभी उन्हें जन्नत का सपना दिखाकर। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यह खतरा बेहद बड़ा है। नुमानी साहब, मैं यहां पर जिस तरह से मूसा ने मुस्लिम कौम को यहां पर रेडिकलाइज करने की कोशिश की है, गौरक्षा के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों के साथ अगर कोई छिटपुट घटना इक्का दुक्की अगर हुई भी है तो जिस तरह से उनको बढ़ा चढ़ाकर कश्मीर में जिस तरह से वो दिखाने की कोशिश कर रहा है आवाम के बीच में, तो ऐसे में आप मुस्लिम समुदाय को किस तरह से एकजुट रखेंगे? क्योंकि हाल के दिनों में चाहे कहीं की भी घटना ले लें, एक अफसोसनाक बात यह है कि कई बार चेहरा वही उखड़ता है जिसकी वजह से फिर संशय के बादल और फिर हर आदमी जो है संशय से एक पूरी कौम को एक पूरे मजहब को देखने लगता है। तो ये जो है ना छोटा सा ग्रुप है ये जिनका धंधा बन चुका है, अपनी शक्ति कमजोर पड़ रही है तो बौखलाहट है इसका जवाब में नहीं होंगे, मैं आपको कह रहा हूं ये नुमानी साहब इस बात का जवाब मैं राशिद साहब से लूंगी, लेकिन उससे पहले मुफ्ती मंजूर जियाई हाजी साहब ये एक सवाल है कि आप लोग लगातार अपील करते हैं नौजवानों से कि इस्लाम गलत रास्ते पर आतंक के रास्ते पर चलने की बात नहीं कहता, और ये अपील जो है इस्लाम से हर ओर की जा रही है, पूरे विश्व में की जा रही है, सिर्फ देश में ही नहीं, फिर भी क्यों बार बार आतंक के चेहरे पर एक खास कौम उभर कर सामने आती है, कहाँ कमी रह जाती है? देखिए मैं आपको मोहतरमा बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में एक ऐसा नाम है मुसलमान का जो मुसलमान का नाम लेके चर्चे में आ सकते हैं, ये ऐसे इंजीनियर रशीद जैसे लोग जो लोग हिमायत करते हैं ऐसे लोग ऐसे आतंकवादियों की जो लोग जाकिर मूसा जैसे लोगों की हिमायत करके दुनिया के सामने अपनी छवि बनाने की कोशिश करते हैं या फिर अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। मैं तो आग्रह करूँगा मिस्टर मोदी साहब से और तमाम चैनल के हवाले से सारे लोगों से कि ऐसे लोगों को सरेआम लोगों के सामने गोली मार देनी चाहिए ताकि ऐसे लोग कभी पनप ना सकें। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हिंदुस्तान का हमेशा खसारा चाहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो दो नीति की सरकार है, एक नीति तो ये है जो कहते हैं बुरहान वानी को शहीद, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती,
एक सरकार बंसल जी की सरकार है जो कहती बुरहान वानी को आतंकवादी। आप उन दो नीतियों के अंदर कहीं ना कहीं समानता लाइए, तभी जाकर ये जो भेदभाव है ये खत्म हो सकता है। मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा जो गलतियां हैं राशिद साहब, लेकिन आप भी बता दीजिए ना, गलतियों को तस्लीम करना पड़ेगा। आप भी बता दीजिए ना कि आप हिंदुस्तान में रहकर जिस तरह की बागी तेवर आप अपनाते हैं, बागी कहते हैं हमें तो देशद्रोही तेवर ज्यादा लगते हैं, आप कौन होते हैं निशाने पे लाने वाले? बिल्कुल देश की शांति प्रिय बनाएंगे आप, तो और भड़काने की बात कर रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं, आप राशि से क्यों है क्या? मैं कहता हूं देखिए ना राशि दो राष्ट्र आप हिंदू राशि हो। हम आपसे मैडम जी सिर्फ ये कह रहे हैं कश्मीर का मुद्दा हल की चाहिए, कहना पाप है क्या? मुद्दा क्या है सारे लोग बुद्धू छोड़ दीजिए, अभी कोई सवाल कर रहा है क्या जाकर मुद्दा आपके पास कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हम एक काम लोगों के आगे दामन फैलाएंगे कहेंगे आप बुद्धू छोड़ दो, लेकिन आप पूरा मुद्दा तो हल करो। आपकी सुरक्षा सब कुछ भारत सरकार की तरफ से आती है, जब अभिन्न अंग है तो हमारा प्रधानमंत्री अलग क्यों है, हमारा एजेंडा अलग क्यों है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग क्यों है? चलिए यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि यहाँ पर किस तरह से हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सबके बीच में एक सुकून का शब्द ये है कि आवाम जो है वो भली भांति अब इनके रंगों को जान चुका है और वो साफ कह चुका है कि वो धर्म जाति मजहब के नाम पर आतंक और खून खराबा नहीं फैलाएगा, फिर चाहे वो कोई भी मजहब क्यों ना हो। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।